अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। दिस इज वन क्लास मैथ्स एंड लेक्चर नंबर 6। नाउ ओपन योर पेज नंबर 10। स्टूडेंट्स और टॉपिक 10 और टॉपिक है हमारा थिक एंड थिन। अब यहाँ पे आपको टू ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, एक है पेंसिल और एक है मार्कर। पेंसिल की लाइन आप ऑब्जर्व करें हमारे पास थिन है और मार्कर की लाइन जो है वो हमारे पास थिक है। इसी तरह से एक पेज पे हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये खुद भी याद कीजिए कि हमारे पास पेंसिल की जो लाइन है वो स्मार्ट सी है, उसे हम बोलेंगे थिन, और मार्कर की जो लाइन है वो हमारे पास थिक है। जो चीज़ आपको फैट नज़र आ रही होगी वो हमारे पास थिक होगी, और जो आपको स्मार्ट नज़र आ रही होगी वो क्या होगी, थिन होगी। फाइंड एंड राइट थिक और थिन इन द करेक्ट बॉक्स। अब यहाँ पे हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है पेंसिल और एक है हमारे पास लोग। अब आप खुद इसमें ऑब्जर्व करें कि इसमें थिन क्या है। बिल्कुल, पेंसिल हमारे पास थिन है और लोग जो है वो हमारे पास थिक है। जो चीज़ आपको फैट नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास थिक होगी, और जो चीज़ स्लिम एंड स्मार्ट होगी वो होगी थिन। अब इस बॉक्स में हम लिखेंगे थिन और लॉग वाले बॉक्स में हम लिखेंगे थिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्री है और एक लैम्प है। तो ट्री जो है आप देखें ये फैट है और लैम्प जो है वो हमारे पास स्मार्ट एंड स्लिम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे थिन, और ट्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिल्कुल थिक। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एक नोटबुक है और एक हमारे पास बुक है, तो आप खुद भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। नोटबुक इज थिन देन बुक एंड बुक इज थिकर देन नोटबुक। कंपेयर एंड क्रॉस द थिनर एंड टिक द थिकर। हमारे पास यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हम ए कंसीडर करेंगे और इसको हम बी कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से थिन हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है। जी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट ए जो है वो हमारे पास थिन है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो हमारे पास थिक है। तो इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो इसकी लैंग्वेज हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ए इज थिनर देन ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट बी इज थिकर देन ऑब्जेक्ट ए। अब उन्होंने हमें बोला था कंपेयर एंड क्रॉस द थिनर, अब इन दोनों में से थिन कौन सा है। जी बिल्कुल, ए जो है वो हमारे पास थिनर है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टू लोग्स हैं ए, और बी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास थिकर है, इसे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टू लोग्स हैं ए एंड बी, लोग ए इज थिनर देन लोग बी एंड लोग बी इज थिकर देन लोग ए। अब लोग बी जो है वो हमारे पास किस में है, थिकर में, तो ये क्या आ जाएगा, टिक, और लोग ए जो है वो थिनर में, तो इसको हम करेंगे क्रॉस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टिक द थिकेस्ट ब्रेड एंड क्रॉस द थिनेस्ट। पहले भी मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था जो चीज़ हमारे पास फैट होगी वो क्या कहलाएगी, थिकेस्ट, और जो स्लिम एंड स्मार्ट होगी वो होगी हमारे पास थिनेस्ट। तो हम आप ऑब्जर्व करें इसमें से, इन तीनों में से ए बी एंड सी कौन सी ब्रेड जो है वो हमारे पास थिकेस्ट है। ब्रेड बी इज थिकेस्ट देन ब्रेड ए एंड सी, एंड ब्रेड ए इज थिनेस्ट देन ब्रेड बी एंड सी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये थिक एंड थिन का कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा आपने। नेक्स्ट हम चलेंगे प्रॉपर्टीज की तरफ। लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ टू। जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो एंड डैश मेक टू। जीरो में हम क्या ऐड करें, टू हमारे पास वन जाए। सबसे पहले हम जीरो में वन ऐड करके देखते हैं कि जीरो एंड वन मेक टू, नो, जीरो एंड वन मेक वन। इसकी जगह पर अब हम वन की जगह टू प्लेस करते हैं, जीरो एंड टू मेक टू। ओके, यानी
ज़ीरो में अगर हम टू ऐड करें तो हमारे पास टू बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब हम नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करते हैं। वन वन एंड डैश मेक टू, वन एंड वन, वन एंड वन मेक टू। नेक्स्ट टू एंड ज़ीरो मेक टू, सॉरी टू एंड डैश मेक टू। टू में अगर हम वन ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, टू में वन ऐड किया, टू एंड वन मेक्स थ्री, लेकिन हमने तो टू बनाना है इसकी जगह पर, इसलिए हम इसको यहाँ से उठा देंगे। और अगर हम टू में ज़ीरो ऐड करें तो फिर हमारे पास मेकिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू कंप्लीट हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं टू एंड ज़ीरो मेक्स टू। ओके स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया एंड लास्ट वाली प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया, दोनों के डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं, ज़ीरो एंड टू, टू एंड ज़ीरो, बस उनकी प्लेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन आंसर में वो हमें सेम आंसर दे रहे हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि ज़ीरो एंड टू एंड टू एंड ज़ीरो आर सेम बिकॉज दे मेक द सेम आंसर। ओके, नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री। ओके, दिस इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री। अगेन वही मेथड हम यूज़ करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो एंड डैश मेक थ्री। हम वन प्लेस करते हैं तो ये क्या बनता है, ज़ीरो एंड वन मेक वन, नो इसकी जगह पर हम टू प्लेस करके देखते हैं, डैट मेक्स टू, नो वी विल नीड थ्री, ज़ीरो एंड थ्री मेक्स थ्री। इसके लिए हम साथ ही डिजिट थ्री प्लेस कर देंगे, मीन्स ज़ीरो एंड थ्री मेक थ्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। अब आपको आइडिया हो गया होगा हमने किस मेथड से काम करना है। अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट वही एड नंबर जो है वो प्लेस करते जाएंगे, वन एंड डैश मेक थ्री, वेरी गुड, टू, वन एंड टू मेक्स थ्री, साथ ही डिजिट ऐड प्लेस करेंगे, वन एंड टू मेक्स थ्री। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू एंड डैश मेक थ्री, टू एंड वन, वेरी गुड, टू एंड वन मेक थ्री। नेक्स्ट थ्री एंड डैश मेक थ्री, थ्री एंड वन मेक थ्री, नो थ्री एंड ज़ीरो मेक थ्री, ज़ीरो मीन्स नथिंग, इसलिए हमने इसके प्लेस पर कोई भी बिट जो है वो नहीं ऐड किया। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ थ्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया, ज़ीरो एंड थ्री, थ्री एंड ज़ीरो आर द सेम बिकॉज दे गिव अस सेम आंसर एंड सेम एज इट इज़। वन एंड टू मेक थ्री, टू एंड वन मेक थ्री, यानी अगर डिजिट्स की प्लेस जो है वो चेंज भी है तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। एडिशन में डिजिट्स की प्लेस चेंज हो जाए, डिजिट सेम रहेंगे तो आंसर हमारा सेम रहेगा। आइए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोर की तरफ मूव करते हैं। दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ फोर, लेट स्टार्ट विद ज़ीरो, ज़ीरो एंड डैश मेक फोर, यस ज़ीरो एंड फोर मेक फोर, साथ ही हम डिजिट भी ऐड करेंगे, ज़ीरो एंड फोर मेक फोर। मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, वन एंड डैश मेक फोर, टेल मी यस थ्री, थ्री, वन एंड थ्री मेक्स फोर, साथ ही डिजिट प्लेस करते हैं, थ्री, वन एंड थ्री मेक फोर, टू एंड डैश मेक फोर, टू एंड टू, वेरी गुड, टू एंड टू मेक फोर। मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, थ्री एंड डैश मेक फोर, थ्री एंड वन, वेरी गुड,
3 एंड 1 मेक 4। एक और प्रॉपर्टी है 3 के बाद नेक्स्ट डिजिट पर हम मूव करेंगे, दैट इज क्योंकि 4 की प्रॉपर्टी है ना, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 4, 4 एंड डैश मेक 4, शाबाश 4 एंड 0, 4 एंड 0 मेक 4, 0 मीन्स नथिंग, इसलिए हमने कोई भी बीट्स जो हैं वो एड्स नहीं किए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टेबल एट्रेंडम ऑफ 4 एंड 5 की तरफ मूव करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स आपने अच्छे से घर में लर्न करना है अपने पेरेंट्स के पास, एंड टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।